हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। आज का हमारा टॉपिक है एक कॉलम, जो आरसीसी कॉलम होता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में और क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जिसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है ग्रेटर देन 3 टाइम्स होती है, और ये लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम के रूप में होता है और ये बिल्डिंग्स में यूज होता है। तो इनका हम बिल्डिंग्स की जगह और भी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे यूज होता है, तो सीधे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। आरसीसी कॉलम को अगर बेस्ड ऑन शेप के हिसाब से देखें तो एक सर्कुलर होता है जो कि आर्किटेक्चरल व्यू के हिसाब से बहुत सही होता है और एक अच्छा होता है जिससे सुंदरता बढ़ जाती है। और एक स्क्वायर कॉलम होता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, थोड़ा ट्रेडिशनल होता है इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, और दोनों ही कॉलम मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। अगर आरसीसी कॉलम की बात की जाए तो शॉर्ट कॉलम जो होता है एल बाय वी लेस देन एंड इक्वल 12, और अगर लॉन्ग कॉलम की बात की जाए तो एल बाय वी ग्रेटर देन 12। अब इसमें L क्या है और V क्या है, तो L फ्रेंड्स इसमें हाइट है और B जो है विड्थ है, ये कॉलम की रहेगी। इनके बारे में जो हमारे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो बिल्डिंग्स होती हैं उसकी हाइट 3 मीटर से होती है या फिर 10 फीट के आसपास आप लेते हैं अप्रोक्स, बाकी एज पर डिजाइन डिपेंड करती है कि बिल्डिंग हमें और रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की है कि कितनी होना चाहिए, ये इसमें देखते हैं। अब कॉलम मूवमेंट के हिसाब से देखें तो बाय एक्सियल कॉलम एंड एनएक्सियल कॉलम, डिजाइन फॉर एक्सियल कॉलम, एक्सियल लोड एंड मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, और जो डिजाइन होता है हमारा एक्सियल लोड के हिसाब से इसका मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। अब फ्रेंड इसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉलम इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स के बारे में देखें कि कौन कौन सी स्टेप्स हो सकती है, तो इसमें आएगा कॉलम लेआउट, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा कॉलम किस शेप का है, साइज का है, एंड जो हम बिल्डिंग्स का लेआउट डालते हैं उस समय हमें ध्यान देना होता है कि ये कहीं अंदर या बाहर तो नहीं हो रहा, यानी हमारे जो ड्राइंग है उससे इनर या आउटर नहीं भाग रहा है। सेकंड आएगा हमारा कॉलम रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट जो वर्क हो रहा है उसके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना होता है, जो मैक्सिमम और मिनिमम कवर जो हमें देना चाहिए वो प्रॉपर है या नहीं, और जो कंक्रीट है हमारा वो स्लंप वगैरह कितना आ रहा है, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में देखना होता है साइट पर। इसका फॉर्म वर्क जो है कॉलम का ये ठीक है या नहीं और किस तरह से हो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है, और पोरिंग ऑफ कॉलम इसके बारे में भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।